तो विद्यार्थी यहाँ देखिए अम्ल क्षार और लवण से क्वेश्चन में ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण को लिखे, या तो फिर क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है कि कास्टिंग सोडा के निर्माण को लिखे, ठीक है, या तो फिर कास्टिंग सोडा का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए जब सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, आप लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में जल के साथ, जो घोल पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है, जल के साथ विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ, जल के साथ, आप जल ले लीजिए H2O, ठीक है, यहाँ पे विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जैसे कास्टिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को रिएक्शन सिखा चुके हैं कैसे होता है, सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि सोडियम के पास जो होता है वो धन आयन होता है और ऑक्सीजन के पास होता है जो ऋण आयन होता है, ठीक है। तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जब ये जल रहता है तो ऑक्सीजन क्या बना देता है, हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है, जिसका क्या होता है OH, इसका क्या होता है संयोजकता -1, इसका होता है +1, तो +1 -1 दोनों कट गया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारा क्षार होता है, ठीक है, ये जो हमारा है क्या है, क्षार होता है, इस क्षार को हम कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, कास्टिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। अब प्लस तब बचा क्या, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पास क्या होता है प्लस और क्लोरीन का पास क्या होता है ऋण आयन, ठीक है, इधान आयन ऋण आयन, यानी कि जब हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे -1 ये +1 दोनों कट गया तो HCl बना बन गया, ठीक है। और इस पर क्रिया को हम क्लोरो क्षार कहते हैं, इस साइड क्लोरीन है, इस साइड क्या है क्षार है, तो इस क्रिया को हम क्लोरो क्षार भी कहते हैं। जो सोडियम ऑक्साइड जो उत्पन्न हुआ वो हमारा कास्टिंग सोडा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो यहाँ देखिए कास्टिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो हमारा साबुन सरफ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो विद्यार्थी यहाँ देखिए इस क्वेश्चन क्या है, धोवन सोडा के निर्माण को लिखे, जो धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर में, तो देखिए आंसर में क्या है, धोवन सोडा एक सफ़ेद चूर्ण होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा भी कहते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा का क्या सूत्र है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा, जो रसोई घर में खाना पकाने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ रहे ने? को अनुकूल ऊष्मा देने पर, इस पर क्या कीजिए, इसमें हीट कीजिए, ऊष्मा अनुकूल ऊष्मा देने पर सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, सोडियम कार्बोनेट, फिर क्या बच जाएगा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि जल H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन हम इसे पहले वाला क्लास में सिखा चुके हैं, आप पहले वहाँ से रिएक्शन सीख लिए, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन तो जब इसको हीट देने पर क्या उत्पन्न करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट उत्पन्न करता है, फिर इस सोडियम कार्बोनेट को कौन, इस सोडियम कार्बोनेट को N2CO3, इस सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने पे, यानी क्रिस्टलीकरण करने के लिए आपको 10H2O लीजिए इसके पास, क्रिस्टलीकरण करने पर धोवन सोडा का निर्माण होता है, तो धोवन सोडा का सूत्र बना Na2CO3.10H2O, ठीक है, यही आपका क्या, धोवन सोडा का सूत्र है, इसको हम धोवन सोडा या तो फिर धोबिया सोडा के भी नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग घरों में साफ सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्यार्थी यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है, तो आंसर देखिए
प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक सफेद चूर्ण होता है जब जिप्सम को, जिप्सम एक पत्थर के जैसा कठोर होता है ठीक है, जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या सेल्सियस में भी कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर, या जल के अणुओं को त्याग देता है ठीक है, यानी कि अवशिष्ट छोड़ देता है, त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा था, जब जिप्सम को, तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O ठीक है, ये किसका सूत्र है, तो जिप्सम का सूत्र है ये याद रखिएगा ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन पे गर्म किया जाता है तो जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्ध मतलब क्या होता है आधा, 1/2 अर्धहाइड्रेट यानी H2O अब प्लस, यहाँ पे देखिए अणु को त्याग कर रहा था, क्या अणु जो छोड़ रहा था, अणु जो छोड़ रहा था हमारा अणु कितना निकल रहा था ठीक है, तो यहाँ पर कितना H2O था, 2H2O था, यहाँ पे H2O कितना लिया, आधा H2O, तो बच गया कितना, 1.5H2O, तो 1.5H2O यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या होता, अणु को त्याग कर दिया, उसको मुक्त कर दिया गया ठीक है। तो यही मेरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ठीक है, ये सफ़ेद चूर्ण होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है, इसको आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, समझ में आ गया ठीक है। तो अब देखिए, तो विद्यार्थी यहाँ देखिए व्यंजक चूर्ण का निर्माण को लिखे ठीक है, यानी कि व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे हुआ, जिसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे हुआ, जो देखिए व्यंजक चूर्ण एक क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण होता है ठीक है, समझ रहे हैं, जब बुझा हुआ चूना, यानी बुझा हुआ चूना पहले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ठीक है, जब बुझे हुए चूने पर, यहाँ पे देखिए जब बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया, कौन सा गैस, क्लोरीन गैस, इसीलिए यहाँ पे 2 सपोर्ट करेंगे, तब व्यंजक चूर्ण जैसे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो इसको जब आप लोग रिएक्शन कीजिए तो क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड ठीक है, क्लोराइड, फिर क्या, H2O हो जाएगा। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है जेल की कठोरता का हटाने के लिए, और यानी कि आप लोग बरसात में क्या हो, काय वो जम जाता है उस पर अगर ब्लीचिंग पाउडर छिड़ दिए वो क्या होगा, कठोरता को हटा दे, यानी वहाँ पे से जो काय रहता है वो नष्ट हो जाएगा ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है कीटाणु को नाश करने के लिए भी ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।